हम पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ केमिस्ट्री चैप्टर टू एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। अब तक हमने ये देखा कि एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है, एसिड क्या होता है, एसिड को अलग अलग साइंटिस्ट ने किस प्रकार अपने अपने तरीके से बताया है। हमने लाइबैग और अरहेनियस का कॉन्सेप्ट देखा। अब हम आए हैं अपने एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी क्या कहता है एसिड के बारे में, तो अगर आप ये डेफिनेशन भी लिखते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपका उत्तर एकदम सही है, कोई नहीं काट सकता है उसको। क्या कि एसिड आर दो सब्सटेंसेस विच आर सावर इन टेस्ट, विच आर सावर इन टेस्ट, इनका टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है, एंड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। इसके पहले भी मैं जब एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में बता रहा था तो मैंने बताया था कि लिटमस पेपर में क्या चेंज आता है जब हम एसिड में डालते हैं, तो ब्लू कलर किसमें चेंज हो जाता है, रेड में। तो यही सिंपल सा हमारा रहा एसिड का डेफिनेशन, और मैं 100% गारंटी देता हूं कि ये अगर लिखेंगे तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है कि हम एसिड को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड या फिर मिनरल एसिड। तो इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे, अपने प्रकार से अपने तरीके से हम कैसे इनको डिफाइन करेंगे, हम वो समझेंगे। तो सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, और ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स मतलब वो कहां से हमें मिल रहा है, वो किस सोर्स से हमें मिल रहा है, किस स्रोत, वो कहां से, क्या जरिया है उसका मिलने का। तो उसके बेसिस पे हम उसको एसिड को दो तरीके से हम देखते हैं, डिफाइन करते हैं। पहला आता है ऑर्गेनिक और दूसरा आता है मिनरल। ऑर्गेनिक किसको बोलते हैं, द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स आर ऑर्गेनिक एसिड। ऐसे समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड नेचुरल एसिड होते हैं, नेचुरली अकरिंग एसिड को हम क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बोल देते हैं। समझ में आए, प्राकृतिक रूप से जो हमें प्राकृतिक रूप से एसिड मिल रहा है उस एसिड को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। और भाई प्राकृतिक रूप से मिल रहा है मतलब कहां से मिल सकता है, बायोटिक फैक्टर से मिलेगा, सजीव जंतु से मिलेगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, प्लांट से और एनिमल से। तो प्लांट मटेरियल और एनिमल से जो एसिड मिल रहा है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। अभी मैं डिस्कस करूंगा कि क्यों वीक एसिड होते हैं, कुछ तो रीजन होना चाहिए। जी हाँ, रीजन होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अभी आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि दे आर वीक एसिड। अब कुछ एग्जांपल पर चर्चा करते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, एक नंबर के क्वेश्चन आपको क्लास टेस्ट या फिर हाफ ईयरली एग्जाम्स में आपको परेशान कर सकते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड। ये सारे क्या है, ये ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल्स हैं, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, ऑर्गेनिक एसिड के। तो सबसे पहले देखते हैं सिट्रिक एसिड कहां से मिलता है। तो सिट्रिक एसिड का जो सोर्स है वो है लेमन और ऑरेंजेस। लेमन और ऑरेंजेस से कौन सा एसिड मिलता है हमें, सिट्रिक एसिड मिलता है, एंड दैट इज व्हाई दीज फ्रूट्स आर कॉल्ड एज सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट भी इनको कहा जाता है, किनको, लेमन और ऑरेंजेस को। क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं टैटरिक एसिड पे। टैटरिक एसिड कहां से मिलता है हमें, टैमेरिंड से मिलता है। टैमेरिंड को हिंदी में बोलते हैं इमली। आपने सबने देखा होगा इमली का टेस्ट खट्टा होता है, और आपने देखा भी होगा, खाया भी होगा। तो ये टैमेरिंड में कौन सा एसिड होता है, टैटरिक एसिड होता है। अभी आपको पता चलेगा कि बेकिंग सोडा को बनाने में भी टैटरिक एसिड का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा। और अनराइप ग्रेप, अंगूर, कच्चे अंगूर में भी कौन सा एसिड पाया जाता है, टैटरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट आता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहां पाया जाता है, विनेगर में, सिरका, पिकल्स वगैरह बनाने के लिए आपकी वहां यूज करती होंगी। आजकल तो जो स्ट्रीट फ्रूट्स हैं, फूड्स हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है विनेगर। तो ये विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट आता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड नाम से ही पता चल रहा है, लैक्टिक एसिड, ये कहां से मिल रहा है हमें, मिल्क से। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, वो मिल्क नेचुरल मिल्क नहीं है, वो सॉर्ड मिल्क है, वो मिल्क खट्टा हो गया है, मतलब सिंपली बोलो तो दही बन गया है। समझ रहे हो, कर्ड में हमें क्या मिलता है, कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटोज से मिलते हैं। और अगला आता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, मेथनोइक एसिड भी बोलते हैं। और इनका जो स्रोत है, जरिया है, वो है एंट स्टिंग या फिर मिडनेटल लीफ स्टिंग। अब आप बोलोगे भैया कौन लेने जाएगा मेथनोइक एसिड उसके स्टिंग से,
वो चींटी से बोलो थोड़ा सा दे दो हमें अपना जहर, ना ऐसा कुछ नहीं है, हम बना सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन हम नेचुरल बात कर रहे हैं सोर्स, तो वो बताना ही पड़ेगा हमें, जिक्र करना पड़ेगा कि कहाँ से मिल रहा है। तो एंड ऐसे जब आपको चींटी काटती है और कहीं सपोज करो स्वेलिंग हो जाती है, सपोज यहाँ काटा तो यहाँ स्वेलिंग हो गया, अगर ये स्वेलिंग क्यों होता है, क्योंकि ये जो इसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है ना, वो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाता है, इसी वजह से हमारा वो क्या होता है, फिर एक्सो रिस्पॉन्स होता है इम्यून सिस्टम का, और इसी वजह से वहां पे स्वेलिंग आ जाता है। फिर आता है निटल लिफिस्टिंग, आपने देखा होगा कि कुछ कुछ पौधे चुभ जाते हैं, अगर उनकी कांटे चुभ गए तो बहुत तेज दर्द करता है, वही क्योंकि ऐसे कुछ जैसे निटल लीफ स्ट्रिंग जैसे कुछ पौधे हैं उनके स्ट्रिंग में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। तो ये रहा हमारा ऑर्गेनिक एसिड। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा मिनरल एसिड, उसके पहले आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज। अब आता है जो अगला टॉपिक, वो है हमारा मिनरल एसिड किसको बोलते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है वो एसिड जो मिनरल से मिलकर के बनते हैं उनको हम मिनरल एसिड बोलते हैं। दोज एसिड विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, कहां से बनते हैं वो मिनरल्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर जो मिनरल मिलते हैं उन मिनरल से जो एसिड बनता है उसको हम बोलते हैं मिनरल एसिड। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, जबकि हमने इसके पहले जो देखा जो ऑर्गेनिक एसिड था वो हमने बताया कि दीज आर जनरली वीक एसिड। मैं फिर से बोल रहा हूं हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों इनको बोलते हैं हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप इतना जानिए कि मिनरल एसिड वीक एसिड होते हैं, हम इनको मैनमेड एसिड भी बोल सकते हैं। जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे वो तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज, इंडस्ट्रियली सबसे ज्यादा पॉपुलर एसिड है उनको बताएंगे, HCl, H2SO4 और HNO3। HCl को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ये पूरा एसिड का जो सेक्शन है वो इन्हीं तीनों के बीच रिवॉल्व करेगा, इन्हीं तीनों का एग्जांपल प्रोमिनेंट होगा आपकी किताब में, तो इसको याद कर जाइएगा कि किसका क्या कॉमन नेम है। इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3। एक एक्सेप्शनल केस आता है इसमें कार्बोनिक एसिड का, कार्बोनिक एसिड है तो मिनरल एसिड लेकिन ये वीक एसिड होता है। क्या होता है, वीक एसिड। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, मैं फिर से बोल रहा हूं ये हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, फिलहाल के लिए आपके आपके कौतूहल को शांत करने के लिए इतना बता दूं कि क्या करते हैं, H+ ion को वाटर सॉल्यूशन में कम देते हैं, इनका अमाउंट इनका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, इसीलिए इनको वीक एसिड बोलते हैं। तो कार्बोनिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं, और ये एक एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन। केमिस्ट्री में जगह जगह आपको एक्सेप्शन मिलेगा, यहां भी एक्सेप्शन मिला, कार्बोनिक एसिड इज द एक्सेप्शन ऑफ मिनरल एसिड। व्हाई, बिकॉज ऑल द मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सेप्ट वन कार्बोनिक एसिड विच इज वीक एसिड। HCO3 का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने ड्रिंक्स वगैरह में, जैसे कोका कोला हो गया, स्प्राइट हो गया, ये सब आप जो पीते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन सब में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आज का टॉपिक इतना ही, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड को हमने डिस्कस किया, आने वाले सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे वीक एसिड किसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं, हम कैसे पता करते हैं कि एसिड अगर वाटर सॉल्यूशन में है तो H+ ion देगा, ये सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।